हेलो दोस्तों, 13 सितंबर से गणेशोत्सव शुरू हो रहा है और अब हर कोई गणपति जी के स्वागत की तैयारियां कर रहे होंगे। इसीलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप गणपति जी की मूर्ति कैसे लाएंगे, किस तरह से उनकी पूजा विधि करेंगे, पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री लगेगी वगैरह वगैरह। सबसे पहले बात करेंगे गणपति जी की मूर्ति घर में किस तरह से लाए। सबसे पहले स्नान करके जब हम गणपति जी की मूर्ति लाने बाजार में जाए तब साथ में एक नया रुमाल या कपड़ा लेकर जाए और मूर्ति को खरीदते वक्त हो सके तो ज़्यादा मोल भाव न करें। उसके बाद जब आप मूर्ति खरीद लें तब नए रुमाल या कपड़े से मूर्ति का मुंह ढक लें। उसके बाद गणपति बाप्पा मोरिया बोलते हुए घर आए, फिर सीधे घर में ना जाए। घर की किसी महिला को बुलाकर उस मूर्ति की पूजा दरवाजे पर ही कर लीजिए। फिर मूर्ति पर गुलाल डालें और जिसने भी मूर्ति लाई है उसको भी तिलक लगाएं। फिर गणपति बाप्पा मोरिया बोलते हुए कुछ वाद्य बजाते हुए मूर्ति का प्रवेश घर में कर लें। उसके बाद फिर आपको मूर्ति की स्थापना जहाँ करनी है उस जगह को हो सके तो गंगा जल से और नहीं हो तो शुद्ध जल से उस जगह को साफ कर लें। उसके बाद जिस टेबल पर आप गणपति जी की स्थापना करने वाले हैं उस पर चौरंग या किसी पाटे पर टेबल को साफ करके रख दें। उसके बाद उस पर एक अच्छा सा कपड़ा बिछाएं, फिर उस पर चावल या गेहूं डालकर फैलाएं, फिर उस पर गणपति जी की स्थापना करें। अब बात करेंगे कि इस पूजा की सामग्री कौन कौन सी होगी। इसमें सबसे ज़्यादा महत्व है गणपति जी की पूजा के लिए का। इसके लिए हमें गणेश जी को बिठाने के लिए एक चौकी पर बिछाने के लिए लाल कपड़ा, जल का कलश, पंचामृत, रोली, मोली, लाल चंदन, जनेऊ, गंगा जल, सिंदूर, चांदी का वर्क, लाल फूल और माला, इत्र, मोदक या लड्डू, हरे मूंग, गुड़, खड़ा धना, धानी, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल, फल, दुर्वा, पंचमेवा, घी का दीपक, धूप, अगरबत्ती, कपूर, ये सब सामग्री लगेगी। इसके बाद आपने जो भी पूजा सामग्री लाई है उसे भी जल से धो ले और अच्छे से साफ कर ले। अब बात करते गणेश पूजा की विधि। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ काम के करने से पहले गणेश का पूजा आवश्यक है। इस विधि में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनकर ही गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणपति जी की पूजा का संकल्प करें। संकल्प करने से पहले हाथों में जल, फूल व चावल ले। संकल्प में जिस दिन पूजन कर रहे उस वर्ष, उस वार, तिथि, उस जगह और अपने नाम को लेकर अपनी इच्छा बोले। अब हाथों में लिए जल को जमीन पर छोड़ दे। अब अपने बाएं हाथ की हथेली में जल ले एवं दाहिने हाथ की अनामिका उंगली व आसपास की उंगलियों से नीचे दिया हुआ मंत्र बोलकर स्वयं के ऊपर एवं पूजन सामग्रियों पर जल छिड़के। इसके बाद सर्वप्रथम चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। श्रद्धा भक्ति के साथ घी का दीपक लगाएं। दीपक, रोली, कुंकू, अक्षत, पुष्प से पूजन करें। अगरबत्ती भी लगाएं। जल भरा हुआ कलश स्थापित करें और कलश का धूप, दीप, रोली, कुंकू, अक्षत से पूजन करें। अब गणेश जी का ध्यान और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर नीचे दिया हुआ मंत्र बोले।
इसके बाद अक्षत और पुष्प गणेश जी को समर्पित कर दें। अब गणेश जी को जल, कच्चे दूध और पंचामृत से स्नान कराएं। मिट्टी की मूर्ति हो तो सुपारी को स्नान कराएं। इसके बाद गणेश जी को नवीन वस्त्र और आभूषण अर्पित करें और रोली, कुंकू, अक्षत, सिंदूर, इत्र, दुर्वा, पुष्प, माला अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं। गणेश जी को मोदक सर्वाधिक प्रिय है, अतः मोदक, मिठाइयाँ, गुड़ और ऋतुफल जैसा केला, चीकू आदि नैवेद्य अर्पण कीजिए। इसके बाद श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। अंत में गणेश जी की आरती करें। आरती के बाद एक परिक्रमा करें और पुष्पांजलि दें। इसके पर गणपति जैसे नीचे दिया हुआ मंत्र बोलकर क्षमा मांगे। अब इस पूजा विधि में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये हम देखते हैं। गणेश जी के स्थान के उल्टे हाथ की तरफ जल से भरा हुआ कलश चावल या गेहूं के ऊपर स्थापित करें। धूप व अगरबत्ती लगाएं। कलश के मुख पर मौली बांधे एवं आम पात्र के साथ एक नारियल उसके मुख पर रख दे। याद रखिए, नारियल की जटाएं सदैव ऊपर रहनी चाहिए। घी एवं चंदन को तांबे के कलश में नहीं रखना चाहिए। गणेश जी के स्थान के सीधे हाथ की तरफ घी का दीपक एवं दक्षिणा वर्ती शंख रखना चाहिए। सुपारी भी गणेश भी रखें। 10 दिन तक नियमित समय पर आरती करें। अपनी सुविधा अनुसार समय को घटाए या बढ़ाए नहीं। गणेश जी को प्रतीक्षा करना कतई पसंद नहीं है। उन्हें समय पर प्रसाद और आरती से प्रसन्न करें। अब देखते हैं चतुर्थी कब से शुरू हो रही है। बुधवार 12 सितंबर को शाम 4:07 के बाद चतुर्थी लग जाएगी। चतुर्थी गुरुवार 13 सितंबर को दोपहर 2:51 तक रहेगी। अब गणेश जी को स्थापित करने का मुहूर्त देखते हैं। 13 सितंबर को सुबह 11:02 से लेकर 1:31 तक पूजन का शुभ मुहूर्त है। राहु काल 1:30 से लेकर 3:00 तक चलेगा। इससे पहले अपनी पूजा समाप्त कर ले। अब देखते हैं चंद्र दर्शन कब नहीं करना चाहिए। 12 सितंबर 2018 को 16:08 से लेकर 20:32 तक चंद्र दर्शन ना करें और बाद में फिर 13 सितंबर को 9:31 से लेकर 10:11 तक चंद्र दर्शन वर्जित है। आप सबके लिए मैं गणपति जी की आरतियाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।